इस वीडियो में आप एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का प्रैक्टिकल या लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं वर्क पीस है, वर्क पीस को क्लैंप किया जा रहा है। और वर्क पीस को हमेशा किसके ऊपर क्लैंप करते हैं? टेबल के ऊपर। और यहाँ पे क्लैंप्स नट बोल्ट स्क्रू यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये मैग्नेटिक क्लैंपिंग का सिस्टम होता है जो कि हैवी वर्क पीस को लिफ्ट करने में काम आता है। अब ये क्लैंप कर दिया है, टेबल के ऊपर रख दिया है। तो इसमें ये टी स्लॉट्स होते हैं, इसमें नट बोल्ट होते हैं। और इसको अभी देखिए प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। कहीं पे गैप होगा तो उसमें ये नीचे एक मेटल का स्ट्रिप लगा देते हैं। देखिए अभी मेटल का स्ट्रिप वगैरह लगाया जा रहा है। और फिर ऊपर आप कटर भी देख सकते हैं, यही कटर आपका यूज़ होने जा रहा है। बेसिकली ये जो ब्लॉक है, ये आप टी स्लॉट देख सकते हैं। हर मशीन की टेबल में इस तरह के टी स्लॉट होते हैं। और मिलिंग कटर आप जो देख रहे हैं, ये मिलिंग कटर यूज़ होने जा रहा है मशीनिंग परफॉर्म करने के लिए। अब ये मिलिंग कटर आपका यूज़ होता है जो वर्क पीस आप ये ब्लॉक देख रहे हैं इसको प्लेन करने के लिए, ऊपर की सरफेस है इसको स्मूथ करने के लिए और एक ही लेवल में करने के लिए। अभी स्पैनर से आप नट को टाइट कर रहे हैं जिससे ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन ये वर्क पीस हिले डुले नहीं। और जब भी आप मशीनिंग करते हैं तो उसमें सेटिंग एक बड़ा रोल प्ले करता है। वर्क पीस अच्छे से सेट होना चाहिए, अच्छे से क्लैंप होना चाहिए। ये वर्क पीस की सेटिंग सही नहीं है तो पूरा वर्क पीस वाइब्रेट ज़्यादा कर सकता है और वर्क पीस ख़राब भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है यदि आपने अच्छे से क्लैंपिंग नहीं किया। तो सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हमारा वर्क पीस प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए और अच्छे से कसा हुआ होना चाहिए, क्लैंपिंग अच्छी होना चाहिए। अभी टाइट कर दिया, अब मशीन को चालू किया जाएगा। देखिए अलाइनमेंट, और ये यहाँ पर मशीनिंग स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो कटर है इसमें इंसर्ट लगे हुए हैं, कार्बाइड के इंसर्ट। ये इंसर्ट आपका कटिंग परफॉर्म करते हैं। और इसमें कटर एक ही जगह रोटेट हो रहा है, टेबल कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है जिससे ओवर द लेंथ कंप्लीट सरफेस के ऊपर मशीनिंग परफॉर्म हो जाए। अब मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि टेबल किस तरह से मूवमेंट करती है और इसमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन के मूवमेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे ये कटिंग हो रहा है और चूंकि मटेरियल बहुत हैवी है, मीन्स इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। ये P20 मटेरियल जो कि डाइज वगैरह मोल्ड वगैरह में काम आता है बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे चिप्स जनरेट हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ये मशीन का स्पिंडल होता है जिसमें आपका होल्डर और कटर लगता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये तीन लीवर अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो कि एक्स वाई जेड के लिए मूवमेंट कराते हैं। ये मशीन काफ़ी वर्सेटाइल मशीन है, इसको आप एज अ हॉरिजॉन्टल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्टिकल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्स वाई जेड के तीन लीवर, अभी ये एक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिक मूवमेंट कर रही है, तो टेबल मूवमेंट कर रहा है इसलिए ये मूवमेंट घूम रहा है। और यहाँ पे ये लीवर होता है, इस लीवर को सेट करके आप एक्स मूवमेंट कराना बाई में या जेड में वो कर सकते हैं। और इस ये जेड होता है वर्टिकली अप एंड डाउन जो मूव करते हैं टेबल को, लेफ्ट टू राइट मूव कराते हैं ऑपरेटर के, एक्स होता है। और आगे पीछे मूवमेंट करते हैं वो बाई डायरेक्ट, ये देखिए ये बाई डायरेक्शन होता है। और नीचे इसमें जो लगा हुआ है इस स्पीड को करते हैं, ये देखिए इसमें गाइडवेज होते हैं, उस गाइडवेज के ऊपर ये आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है बाई डायरेक्शन में। और इसमें नीचे स्क्रू लगे होते हैं इसलिए नट एंड स्क्रू मैकेनिज्म से ये लीनियर मोशन करता है, आगे पीछे मूवमेंट करता है। और यहाँ पे टेबल को मूवमेंट कराने के लिए स्पेशल अलग से मोटर लगा हुआ है। और चूंकि वर्क पीस काफ़ी हार्ड है, ज़्यादा मटेरियल मूव कर रहे हैं इसलिए हम स्पीड कम रखते हैं। देखिए अभी ये रैपिड में मूवमेंट कराएंगे। देखो लीवर को आपने सेट कर दिया और ये टेबल मूवमेंट करा रहे हैं। और यहाँ पे ये टेबल है, इसको रोटेट भी करा सकते हैं, इसमें रोटेट कराने का भी प्रोविज़न है, प्रावधान है। ये फॉरेन मेड मशीन है। और ये देखिए आप यहाँ पे बेसिकली जो अभी वर्टिकल स्पिंडल चल रहा है उस स्पिंडल की आरपीएम को इस लीवर के थ्रू हम सेट कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। नॉर्मली हम ज़्यादा मटेरियल कट करते हैं तो स्पीड कम रखते हैं। और ये दूसरा आप देख सकते हैं लीवर है, नोब है जिससे हम हॉरिजॉन्टल मशीन की तरह काम कर गए, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होता है उसकी स्पीड को हम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये मोटर लगी है, इस मोटर का स्पेसिफिकली यूज़ होता है टेबल को मूवमेंट कराने के लिए, टेबल को एक्स वाई डायरेक्शन मूवमेंट कराने के लिए। ये आपका पैनल है जिस पर एक दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट बटन्स हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग जो मोटर्स होते हैं उनको चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कूलेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उन सारे बटन्स आप देख सकते हैं।
अब कुछ और चीज़ हम देखते हैं, ये दूसरी तरफ से ये जो हेड है, इस हेड को आप टिल्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं एक्स वाई डायरेक्शन जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। और यहाँ पे स्केल बना हुआ है तो जितने डिग्री एंगल पे आपको घुमाना होता है वो आपको पता चल जाता है। बेसिकली कॉलेट होता है, कॉलेट के अंदर ये मिलिंग कटर को माउंट किया जाता है। और ये पूरा पैनल वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होते हैं और कूलेंट वगैरह भी इसमें अंदर जाता है ठंडा करने के लिए। देखिए इसके ऊपर मशीनिंग ऑलमोस्ट परफॉर्म हो गया है, जैसे हो जाएगा तो फिर ये चिप को रिमूव करेंगे। और चिप को रिमूव, ये झाड़ू रखा है, ये झाड़ू इसलिए रखा है जैसे चिप्स को रिमूव किया जा सके, मतलब झाड़ू से झाड़ सकते हैं उसको। तो आई होप आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला होगा किस तरह से यूनिवर्सल मिलिंग मशीन काम करता है। यूनिवर्सल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एज अ हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अ वर्टिकल मिलिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप इसको एज अ वर्टिकल मिलिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, इसमें वर्टिकल स्पिंडल काम कर रहा है। ये एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए ये नीचे स्क्रू है, इस स्क्रू के बाद ये पूरा जो हेड होता है, टेबल होती है, ये वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करता है या जेड डायरेक्शन मूवमेंट करता है। ये नीचे बेस होता है मशीन का और इसको ऑटो मैनुअल दोनों मोड होते हैं इसको चलाने के लिए, मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन मूवमेंट कराने के लिए। कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए अभी ये मूवमेंट करा रहे हैं आगे पीछे, तो इसमें लिखा रहता है जो भी डायरेक्शंस वगैरह होते हैं। अभी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है और ये फिर अभी ऑटो कर दिया है, अभी कटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको कुछ पूछना है तो यू कैन लीव द कमेंट।